नमस्कार दोस्तों, भूपेंद्र सिंह आप सभी का फिर से एग्जाम गुरु में स्वागत है। दोस्तों, 19 मई की हम आपके सामने बहुत बड़ी अपडेट लेकर आए हैं जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है कि हाई कोर्ट के अहम फैसले से आदेश से भर्ती होगी जल्द। ओवरलैपिंग मेरिट से नहीं होगा आरक्षित वर्ग मानकर आवेदन समस्या को लेकर बैठक आज। 69,000 शिक्षक भर्ती की 21 मई की बेंच निर्धारित सुप्रीम कोर्ट में और 69,000 शिक्षक भर्ती की सभी समस्याओं का समाधान PNP। दोस्तों, आज जितने भी ये न्यूज हैं इस वीडियो के माध्यम से इन सभी को कवर करना चाहते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और जो भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। जैसा कि आप सबको जानते हैं कि 18 तारीख से आवेदन लेने आरंभ हो चुके हैं और वेबसाइट बहुत दिक्कत कर रही है क्योंकि आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन के कारण सारे कैफे तो बंद हैं और छात्र स्वयं ही फॉर्म को डाल रहे हैं। कल मुश्किल से 250-300 के समथिंग ही फॉर्म डल पाए हैं क्योंकि जब फाइनल फॉर्म सबमिट करते हैं तो बार बार एरर आ जाता है। और दोस्तों, जो ओवरलैपिंग का जो मामला है वो भी शीघ्र ही होगा ख़त्म। दोस्तों, आप सभी को दिखाते हैं। देखिए, हाई कोर्ट के अहम आदेश से ख़त्म होगा ओवरलैपिंग। देखिए, मेरिट में नहीं आरक्षित वर्ग मानकर तय हो पा रहा था। देखिए दो, हाल में ही हाई कोर्ट के अहम आदेश ने बेसिक शिक्षा महकमे में खलबली मचा दी है। 69,000 शिक्षक चयन में यह आदेश लागू हो जाए तो ओवरलैपिंग ख़त्म हो जाएगी। असल में कोर्ट ने प्राथमिक स्कूलों में 8,500 अध्यापक भर्ती की जिला आवंटन मामले का आदेश दिया था। मेरिटेरियम आरक्षित वर्ग अभ्यर्थियों को उनके वर्ग मानकर जिला आवंटन किया जाए। कोर्ट ने इस मामले को पुनर्विचार याचिकाओं के द्वारा खारिज कर दिया। इसे ऐसे में प्राथमिक स्कूलों में 68,500 शिक्षक भर्ती जिसमें सामान्य वर्ग की सीटों पर OBC, ST, SC आदि का चयन होता है। देखिए, आप देख रहे हैं क्योंकि उनके गुणांक सामान्य अभ्यर्थियों से अधिक या बराबर थे और साथ में परिषद ने सामान्य की सीटों पर चयनित अभ्यर्थियों को सामान्य मानते हुए उन्हें मंचा जिले से दूर जिले में नियुक्ति मिली। इस भर्ती में शुरुआत से शिक्षकों के चयन के दो सूची जारी हुई। दूसरी सूची में कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों को आसानी से गृह जनपद मिल गया। जिला आवंटन को हाई कोर्ट में शिखा सिंह एवं 48 अन्य ने चुनौती दी जिसमें मांग की थी कि मेरिट से जिला आवंटन किया जाए। न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया ने 29 अगस्त 2019 को आदेश दिया कि मेरिट में नहीं बल्कि मेरिटोरियम अभ्यर्थियों को आरक्षित मानकर उन्हें जिला आवंटन किया गया। फिर पुनर्विचार का याचिका डाली गई जो कि 14 मई को उसे यह कहते खारिज कर दिया गया कि ऐसा न करते तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश का उल्लंघन होगा। देखिए, इस आदेश के मायने क्या है कि जो अभ्यर्थी हैं उन्हें एक जिले में आवेदन किया था और उसमें वर्ग में रखा जाए भले ही उसके अंक कितने भी क्यों ना हो। आरक्षित वर्ग का मेधावी यदि अपने वर्ग में चयनित होगा तो उसे आसानी से अपना जिला मिल सकता है। सामान्य वर्ग की सीटों पर अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों को ओवरलैपिंग की व्यवस्था ख़त्म होनी चाहिए और 69,000 में बड़ी भर्ती में पड़ सकता है इसका असर। सामान्य अभ्यर्थियों के 36,614 लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कराई, ऐसे में अधिकांश चयनित होंगे। OBC के 84,868 और SC के 24,308 परीक्षा उत्तीर्ण किए अधिकांश को इसमें चयन नहीं हो सकेगा। उत्तर प्रदेश सेवा लोक सेवा आयोग ने पिछली ही भर्तियों में ओवरलैपिंग की पूरी व्यवस्था ख़त्म कर दी गई है। अब देखिए, जो सचिव हैं उनका क्या बयान है कि कोर्ट के आदेश का इस भर्ती में अनुपालन करने का प्रयास होगा। पहले अभ्यर्थियों को सामान्य मानकर मांगे गए जिलों का विकल्प देखेंगे, यदि मिल जाता है तो वह सामान्य रहेगा, यदि अपने वर्ग में मिलता है तो संबंधित वर्ग में जिला देकर आवंटन कर दिया जाएगा। दोस्तों, और आप सभी को बता चलें कि जो शिक्षा मित्रों द्वारा डाली गई याचिका SLP थी वो अब 21 मई में, मतलब जो 20 मई को सुनवाई होनी थी वो 21 मई में उसकी सुनवाई होगी, जो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो दोस्तों, जो भाई चैनल पर नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।